हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो भाई सारे? तो भाई गुड मॉर्निंग तो नहीं, अभी तो भाई गुड आफ्टरनून हो गया है। तो भाई 12:35 हो रहे, तो भाई आफ्टरनून हो गया है। तो और भाई क्या हुआ, मैं सुबह तो एक्चुअली क्या हुआ, मैं सुबह चला गया दिल्ली। तो दिल्ली मैंने देखा भाई गाड़ी से जाने के लिए दिखा रखा था 2 घंटे का रास्ता, इतना जाम दिखा रखा था भाई, पूरा रेड था, मतलब मैप पे चेक किया ना मैंने, पूरा रेड ही था। तो मैं फिर मेट्रो से चला गया, कुछ काम था वहाँ पे, एक छोटा सा काम था वैसे तो, बाकी मेट्रो से चला गया, मेट्रो से आ भी गया भाई 2 घंटे में, तो वापस भी आ लिया घर में। और इतना जाम था मतलब पूछो मत। मतलब यार ये होता है सुबह सुबह या फिर मतलब शाम के टाइम निकलोगे ना दिल्ली वगैरह के लिए, दिल्ली में तो आप वैसे तो कभी भी चले जाओ भाई, जाम ही जाम मिलता है। और अभी फिलहाल मैं एक बार जा रहा हूँ भाई कपिल के पास, एक छोटा सा काम है। और भाई गाड़ी देखो, 3-4 दिन से गाड़ी खड़ी हुई है भाई, किसी ने चलाई नहीं और सफाई वाला भी नहीं आया, पता नहीं क्यों। और भाई बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है गाड़ी बाहर से ना, मैं विंडशील्ड पे अभी पानी भी नहीं मार रहा, कभी स्क्रैच नहीं पड़ जाए। देखो पूरा आपको दिख रहा होगा, पूरा मिट्टी मिट्टी हुआ पड़ा है। अभी कहीं पे देखते हैं, कहीं पानी भरवा लेंगे वहाँ से, बार वॉश वाले से पानी भरवा लेंगे बार बार ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वाइपर भी मार दूंगा ना, और कपड़ा भी नहीं है यार, कपड़ा भी मारूंगा तो कपड़े से भी मतलब निशान छोड़ जाएगा वो, तो इसलिए मैंने कपड़ा भी नहीं मारा वो, और पानी भी नहीं मारा विंडशील्ड से। अभी कहीं कार वॉश वाले से ना इस पर पानी भरवा लेंगे बार बार की तरफ, क्योंकि यार मैं अगर वाइपर भी चलाऊंगा ना तो पूरे शीशे पे ना निशान ही निशान पड़ जाएंगे। फिलहाल तो मैं एक बार कपिल के पास जा रहा हूँ, उसकी गाड़ी का शीशा टूट गया था, तो पता नहीं कैसे टूट गया उसकी गाड़ी का शीशा, तो उसका इंश्योरेंस भी डलवा के आनी है गाड़ी एक बार ना, तो अभी वो काफ़ी देर से वेट कर रहा है मेरा। वो तो ठीक है भाई, मैं चला गया मेट्रो से, नहीं तो वो वेट ही करता रहता फिर तो। ये देखो भाई पूरे मिट्टी मिट्टी है, देखो ये देखो भाई पूरी गाड़ी में मतलब मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है। देखो अभी यहाँ से एक बार पानी मिल गया भाई, बस पानी मार रहा हूँ लेकिन निशान बढ़ जाते हैं इस पर पूरे पे ना। वही गाड़ी होगी अपनी वॉश, वॉश तक बस ऊपर ऊपर पानी मार दिया, क्योंकि यार ये मेरे को मिल गया सही यहाँ पे ना, घर बनाने लग रहा था सामने था, तो इनके बाहर पानी पड़ा हुआ था पाइप, तो मैंने बोल दिया मैं भाई बार पानी मारने दो, तो ठीक काम हो गया यार, क्योंकि ना पूरी गाड़ी मतलब ऐसी हो रखी थी बहुत बुरी, बाहर से मैंने दिखाई थी ना आपको, इस पर वाइपर चला रहता है एक बार, वाइपर से थोड़ा साफ हो जाएगा ये। और अब चलते हैं सीधा कपिल के पास, अब हो गया काम ठीक बिल्कुल भाई, इतनी मिट्टी जम रही थी ना इस पर 3-4 दिन में, मतलब बाहर खड़ी कर दो गाड़ी अपनी, अब और कोई मतलब सफाई वाला नहीं आएगा ना तो ऐसी हो सकती है भाई बिल्कुल, जैसे तो पता नहीं कितने सालों से गाड़ी खड़ी हुई हो। पेंट लगा लेता हूँ एक बार यार, और सही मिल गया ये पानी वाला सिस्टम। अभी एक बार ये ना पूरी गाड़ी वॉश करवा लेंगे कभी, अभी तो फिलहाल काम चल ही गया बढ़िया। देखो पूरे शीशे साफ हो गए अब ना, तो भाई बिल्कुल ऐसी हुई पड़ी थी जन, तो पता ना कितने जमाने तक खड़ी हो गाड़ी। अब चलते सीधा कपिल के पास, काफ़ी देर से वेट कर रहा हो। ये हमारा शीशा भी टूटा हुआ है यार, हमको भी बदलवाना है शीशा ना, उसका तो कुछ ज़्यादा टूट गया ऊपर की तरफ से ना, अभी दिखाऊंगा चल के मैं ऊपर, उसका तो पता नहीं कैसे टूटा, मतलब ना हमारे में तो एक ही तरह आ रखी है देखो, एक ही लाइन है, उसके में तो काफ़ी सारी लाइनें आ गई, काफ़ी सारी पता नहीं कैसे आ गई। वो कह रहा कुछ पेड़ के नीचे खड़ी कर दी थी, तो पता नहीं क्या गिर गया या फिर किसी ने मार दिया पता नहीं। चलते हैं भाई एक बार उसकी गाड़ी इंश्योरेंस पे डलवाते हैं। लो भाई कपिल के पास आ गया हूँ, वो खड़ी सामने अपनी धन्नो, ये देखो अभी लगाते हैं पार्किंग में। हाँ वो डिफेंडर खड़ी, वाह डिफेंडर, अजू भाई डिफेंडर खड़ी है तो छोटा सी लगे भाई, तो पूरी मॉन्स्टर है भूकाल। ओए अज्जू वाली लग रही है, अज्जू की है के? बॉटम बैठा उसकी में। अच्छा वो झोटा सी लगा है, देखिए बच्ची सी लग रही है, सिंपल देख के आ गए हैं। अरे मैं तो आज होते कोई मिल मिल के चले जाऊं। अच्छा देखिए छोटी सी लग रही है, देख के आ गए ना शिफ्ट। विकास कह रहे हैं दानव, दानव सही में दानव है, देख ले शिफ्ट कितनी सी लग रही है इसके आगे, ऐसी लग रही है तो इसके अंदर गल जाएगी। देखा कहाँ टूट गया तेरा शीशा, इसकी गाड़ी गंदी हुई पड़ी है भाई, कती देख टूटा पड़ा शीशा इसका, इसमें देखो कितनी सारी तरेड़ आ गई, अभी इसमें ना लचकी लग लग के और ज़्यादा बढ़ती जा रही है तरेड़। यही गाड़ी है उसकी अजू की है ना, कैसे टूट गया हो? अरे ये टूट गया, मैं वहाँ ऑफिस आया था ना उस दिन 2-3 दिन पहले, तो उसके नीचे खड़ी थी पेड़ के नीचे, पता नहीं क्या हुआ क्या गिरा आ गया, टूट गया चलती गाड़ी में ना टूटा, गलती में टूटा, इंश्योरेंस वगैरह करानी है भाई भी हो जाकर ना, ये बढ़ती जाओगी ना। तो
फिलहाल निकल लिए है अपना और अभी जा रहे हैं भाई हम मारुति के वर्कशॉप में, क्योंकि भाई गाड़ी घेरनी है कपिल भाई की। और वो मैंने दिखाई थी ना डिफेंडर आपको, डिफेंडर अज्जू भाई की डिफेंडर ही थी भाई वो, और हमने देखा भी तो फैमिली के साथ थे हमने, फिर ज़्यादा बोले नहीं हम उनसे ना अच्छा नहीं लगता ऐसे फैमिली के साथ भी चंडो अपना आए हमें कुछ काम भाई, तो इसलिए हमने फिर सेल्फी भी ना ले पाए हम यार, मतलब पूरी फैमिली थी उनके साथ ना, तो इसलिए हम नहीं बोले फिर। और अभी चल रहे हैं भाई सीधा वर्कशॉप पे और गाड़ी छोड़ के आते हैं भाई, गाड़ी चलती और अच्छी लग रहा है भाई वैसे ना, जैसे एलआई व्हील लगने के बाद गाड़ी देखना कितनी छोटी छोटी लग रही है, आपने शॉर्ट देखे होंगे पीछे और पिछली क्लिप में आपने देखा होगा भाई, क्योंकि भाई गाड़ी जो चलती हुई लगती है ना भाई एलआई व्हील लगने के बाद ना शिफ्ट, मतलब इसकी एक खास बात ये है जैसे कि गाड़ी में अलाई व्हील लगवा लेते हो ना थोड़े से, तो गाड़ी मतलब चौड़ी चौड़ी लगती है, बल्कि बल्कि सी फील आती है उसमें, और मतलब मज़ेदार वाली बात है। अभी सीधा जा रहे हैं भाई मरकपुरी के वर्कशॉप पे, शायद सेक्टर 17 वाले में या 18 वाले में, पता नहीं कौन से वाले में जाएगा। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मेरे को कि आपको स्पीति ट्रिप कैसी लगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगी थी वीडियो बनाने में ना, और गाड़ी चला चला के मतलब जो हालत हमारी खराब हुई है ना भाई पूछो मत, क्योंकि भाई ये लगा लो हम आते टाइम तो ये लगा लो हम 450 किलोमीटर भाई लगभग नॉन स्टॉप आए थे, काजा से लेके हम शिमला तक गाड़ी मतलब नॉन स्टॉप चला के ले गए थे, बस बीच में एक बार खाना खाने के लिए तो जरूर रुके थे भाई, तो उसको रुकना नहीं बोलते इतना रेस्ट नहीं मिलता भाई उसमें, क्योंकि खाना खाया उसके बाद सीधे डायरेक्ट हम निकल लिए, एक बार और बीच में रुके थे हम 10-15 मिनट के लिए, उसमें क्या हुआ था हमारी गाड़ी के ना ब्रेक थोड़े से हीट हो गए थे, तो उसके हीट होने के बाद ब्रेक क्या होता है तो ब्रेक कम लगते हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक एक बार वहाँ पे लिया था हमने 15-20 मिनट का लिया था बस ब्रेक एक, उसके बाद भाई नॉन स्टॉप आए थे हम बिल्कुल शिमला तक, बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में ना, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी थी आपको, और ये और बताना कि अगली ट्रिप कहाँ की लगाई जाए। वैसे तो हमारा प्लान है कि हम जाएं अब की बार सीधा स्नोफॉल होगी तो मनाली निकल जाए, अभी स्नोफॉल हुई तो थी सीसू साइड हुई थी स्नोफॉल, अब की बार जब भी पड़ेगी स्नोफॉल सीधा जाएंगे हम बर्फ देखने के लिए। और अभी फिलहाल हो गए भाई ये पास्को सर्विस सेंटर में आया, पास्को के मारुति वर्कशॉप में सेक्टर 18 यहाँ पे गए थे एक बार गाड़ी, तो भाई गाड़ी छोड़ दिए सारे पेपर वर्क वगैरह हो गए, क्योंकि काफ़ी टाइम भाई पेपर वर्क करने में ना काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए अभी गाड़ी छोड़ी है। और भाई एक बात बताऊँ यार, वो डिफेंडर जब से मैंने देखी है ना जो भाई की, मेरा थार लेने का मन कर गया ऊंची गाड़ी देख के भाई, सब मस्त लग रही थी भाई वो क्या, ठीक है अब मेरा मन कर गया कि अब मैं थार ले लूँगा, जल्दी ले लेंगे थार तो है ना, तो थार जल्दी देखने के लिए मिलेगी यार आपको। भाई दोनों भाई निकल लिए फ्री की कॉफी पी के सही दे रुको कॉफी बढ़िया थी भाई, पास को वाला की बढ़िया मजा आएगा कॉफी पीने में। और भाई गाड़ी भी गई थी अपनी, अभी लग रही है भूख, अभी हम जा रहे हैं नई चीज खाने के लिए, दिखाता हूं आपको भाई हम जा रहे हैं एक बार सेक्टर 43 वहां पे मिलता शोरमा भाई जी का, शोरमा मस्त है भाई मस्त है ना, पहले खाया था हमने देखो कुछ काम भी है, पहले वो काम निपटाएंगे उसके बाद जाएंगे कुछ खाने के लिए, भाई सुबह तक कुछ ना खा रखा भूख लग रही है बहुत तेज, इसका फोन आ गया। ये देखो भाई ये गुड़गांव की शान है एक तरीके से ना, मतलब इतने प्यारे प्यारे मतलब व्यू आते हैं ना यहाँ से, और रात के टाइम में तो इतना मस्त लगता है, ये DLF का एरिया ये साइबर है एक्चुअली ना, तो काफ़ी मस्त लगता है, ऐसा लगता है जैसे बाहर फॉरेन कंट्री में आ गए हो। तीन बीस होगा भाई, अभी तक कुछ नहीं खा रखा सुबह से ना, मतलब इतनी तेज भूख लग रही है यार, अभी भाई सारा काम निपटा लिया अपना, और अभी आया भाई भाई जी का सुरमा खाने के लिए, सुरमा खाएंगे ऐसे और देखते हैं क्या लेंगे, फ्राइड राइस ले लेंगे, फ्राइड राइस से भी पेट भर जाएगा, और सुरमा खाते भाई काफी टाइम होगा, सुरमा खाने काफी मस्त लगता है इसका सुरमा ना, गाँव से वीडियो देख रहा तो जरूर ट्राई करने का सुरमा ना, ये सेक्टर 43 में पड़ता है और DLF Phase 5 है सेक्टर 43 में ना, सेक्टर 43 का मेट्रो स्टेशन है उसके बाद पड़ता है, और ये सारी चीज़ देखो ये सारी शॉप मिल जाएगी आपको, ये सामने है भाई जी का शोरमा, देखो सामने
भाई काफी मस्त है शोरमा। अभी कभी ट्राई करके देखना, काफी अलग टेस्ट है, मतलब डिफरेंट हर रोल सर टाइप का बना कर देते हैं। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, अभी कभी गया ऑर्डर करने के लिए। तो भाई शोरमा हो गया रेडी, और ये सामने देखो ये है भाई शॉप भाईजू शोरमा वाला, आपको दिख रही होगी। और ये देखो कपिल लेके आ रहा है। आ जाओ सर, आ जाओ, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। ओए होए रुके, नजारा देख के। तड़के वाली चटनी है, तड़के वाली है, देखियो कितनी लाल है। और ये तो पूरा भाई वो है सिस्टम, वो चचरी पाओगी हो मत खाइयो। ये फ्राइड राइस आ गए भाई एक, और ये है भाई शोरमा, देखो शोरमा देखो ये भाई। कभी कोई आए ना इस साइड तो ट्राई जरूर करना एक बार, कुरकुरा शोरमा मिलता है। और ये अपना सिंपल वाला है, हमने सिंपल वाला लिया है पनीर शोरमा। अब करते हैं भाई टेस्टिंग इसकी। कैसा है? बढ़िया, मस्त है ना इसका आई मस्त भाई। फिलहाल भाई शोरमा और फ्राइड राइस खा के निकल लेते हैं। भाई फ्राइड राइस की क्या बताऊं, तो उसमें इतने गर्म थे ना, और कपिल ऊपर से लिया है मोमोज की चटनी भाई, इतनी तीखी लगी वो और गर्म थे तो उसकी वजह से ज्यादा लगी, बिल्कुल मुंह फूक गया थी, कानों में से धुआं निकल गया लगा लो एक तरीके से ना। और भाई शोरमा खाया भाई, शोरमे का तो जो टेस्ट है ना भाई उसके शोरमे का, कभी आप आओ उस साइड तो ट्राई जरूर करना भाई, कोई प्रमोशन नहीं है। और बाकी हम भी कभी कभी जाते हैं खाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। अभी चक्कर लगा था उस साइड का तो सोचा कि शोरमा खाते, काफी दिन हो गए थे भाई, अभी भूख ना मिटी थी भाई, तो अब दोबारा आ गए छोले कुलचे खाने के लिए। बोलते हो छोले कुलचे खाएंगे यहाँ पे भाई बहुत। ये भी छोले कुलचे भाई बिल्कुल अलग तरीके के मिलते हैं। कैसे थे वो पनीर वाले है ना, मस्त पनीर, वो क्या बोलते हैं इसको, पनीर फ्राई वाले छोले कुलचे भाई, अभी दिखाऊंगा काफी मस्त लगता है, अच्छी पनीर की स्टफिंग होती है उसमें, मस्त एकदम। बात पनीर की नहीं है, वो जो छोले का तड़का लगाता है वो मस्त होता है, तड़के वाले छोले कुलचे। पनीर में कोई स्वाद थोड़ी होता है, लेकिन वो है हमारा माइंड सेट रखा है भाई, पनीर वाले खाने हैं तो खाने हैं। तो वैसे भी मस्त बनाता है तड़के वाला लगा के ना। ये देखो भाई ये छोले फ्राइड वाले छोले, कुलचे देखो, ये अंदर स्टफिंग देखो इसकी, मेरी सैलेड। और अब खा लेते हैं इसको भाई, मुंह पानी आ जाता है देखते के साथ। कैसे है, मस्त है, खा ले फिर। और भाई अभी हो रहा है डाटा कॉपी, अपना डाटा कॉपी करना भाई, वीडियो एडिट करने में मतलब एक व्लॉग बनाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है यार, क्योंकि पहले वीडियो कॉपी करो, उसके बाद भाई इसको टाइमलाइन पे डालो, फिर इसको एडिट करो, फिर इसका म्यूजिक देखो, और भाई काफ़ी मतलब बहुत होती है एक वीडियो बनाने में ना। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, और मेरे को जरूर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको स्पीति ट्रिप कैसी लगी, और ये मेरे को जरूर बताना अगली ट्रिप हम कहाँ की मारें। वैसे तो हमारा मन तो ये है कि एक तो मैं सोच रहा हूँ महाकाल चलते हैं, अभी कपिल से बात करता हूँ उसके बारे में, अभी बात नहीं करी। और एक सोच रहा हूँ कि अभी स्नोफॉल हो जाएगी तो मनाली चलते हैं, अपना सीन बनेगा, वो आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी हमको शॉपिंग भी करनी है, स्लीपिंग बैग लेकर आना है माइनस वाले, क्योंकि वहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा ठंड। अभी हम गए थे तो वहाँ पे स्नोफॉल थी नहीं, बट माइनस में टेम्परेचर था, और क्या बताऊँ बहुत मतलब ठंड, इतनी गजब की ठंड थी ना, माइनस 14-15 डिग्री सेल्सियस तक था। तो हमारे कंबल काम करना बंद कर गए वहाँ पे जाके, इसलिए हमने कैंप ज़्यादा लगाया ही नहीं। तो सोच रहे थे अब एक बार स्लीपिंग बैग लेके आएंगे अपना नया, उसके बाद चलेंगे, उसके बाद लगाएंगे कैंप बर्फ में, बाकी देखते जाके पता चलेगा बताओ। अभी तो कुछ प्लान है नहीं फिलहाल, तो बाकी स्नोफॉल हो गई तो शायद निकल भी जाए, और इसकी स्नो चैन भी बनाने का डी यार, क्योंकि इसमें अब लगवा लिया कपिल ने बड़े बड़े अलॉय व्हील, पहले लग रहे पहले बिना अलॉय व्हील की थे, पहले कंपनी वाले टायर थे, और अब लगवा लिए अलॉय व्हील, तो उसके लिए स्नो चैन भी बनवानी है।